रात के 9 बज चुके हैं और हम आपको गाजियाबाद का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए, हर घर की जो है लाइटें बुझ चुकी हैं, लोग अपने घर से बाहर निकल के अपने बालकनी में आए हुए हैं। किन्हीं के हाथों में कैंडल है तो किन्हीं के हाथों में दिया है, तो बच्चों के हाथों में आप मोमबत्ती भी देख सकते हैं। और इधर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे थे कि मेरे ठीक पीछे देखिए कि छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में टॉर्च लिए हुए हैं और कुछ लोगों ने तो अपने घर के बाहर सीरीज बॉल तक लगाया हुआ है। हालांकि सोशल डिस्टेंस जरूर यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। बच्चे खासे खुश हैं, हाथ में टॉर्च लिए हुए हैं। आप देखिए बच्चों को और इस पल का अद्भुत नज़ारा। हर कौम के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कौम के लोग जो है घर से बाहर निकले हैं और बालकनी में आ करके जो है दिया जला रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं और मोमबत्ती जला रहे हैं। और यही दुआ किया जा रहा है ईश्वर से कि जो कोरोना जैसी महामारी है, ये जो वायरस है, जल्द से जल्द ये दूर भाग जाए। पवन मिश्रा, News24, गाजियाबाद। ये है गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी। प्रधानमंत्री के कहे के मुताबिक, जो राष्ट्र के नाम उनका आह्वान था कि 9 बजे 9 मिनट के लिए लोग अपने घरों के लाइट ऑफ कर देंगे और अपनी अपनी बालकनी में दिए जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, रोशनी करेंगे, उसके मुताबिक लोग आज थोड़ा सा पहले ही, 9 बजने से 2 मिनट पहले ही लोग बालकनी में आ गए, घरों की बिजली ऑफ कर दी। और आप देख सकते हैं, दरअसल एक ये प्रधानमंत्री के आह्वान को मानने के पीछे की जो सबसे बड़ी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है कि देश कोरोना जैसी महामारी के आपदा से लड़ रहा है और ऐसे में पूरा राष्ट्र एक साथ है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसके पीछे मनसा भी यही थी कि लोगों में जो घरों में बैठे हैं और उनमें एक अवसाद है, हो सकती है निगेटिविटी आ सकती है, तो उससे दूर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए इस तरह की कोई होना चाहिए, एक साथ कैसे खड़े दिखें। तो लोगों ने उसे उसी तरह से लिया है, उस संदेश को, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों से उम्मीद की थी। और इसी उम्मीद के साथ कि कोरोना हारेगा और हमारा हिंदुस्तान जीतेगा।